भूतिया डाकिया। ये बात उस जमाने की है जिस जमाने में मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं था। एक दूसरे से बात करने के लिए लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे। डाकिया घर घर जाकर खत बांटता था। ये कहानी उस जमाने की है जिस जमाने में डाकिया लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। रघु नाम का एक डाकिया था। वो दिन भर साइकिल से शहर की हर गली घूमता था और घर घर खत बांटता था। रात का समय था, आखिरी खत बचा था। रघु अपनी साइकिल लेकर खत देने चला गया। आज तो बहुत रात हो गई, घर गया तो बीवी जरूर डांटेगी। रघु पते पर पहुंच जाता है। डाकिया आया है, डाक लेकर आया है। अंदर से ना कोई जवाब आता है और ना कोई दरवाजा खोलता है। सुनो, आपका खत आया है। लगता है सब सो गए। रघु दरवाजे पर टक टक आवाज करता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रघु अंदर जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। लगता है कोई गड़बड़ है। कोई है? मैं डाकिया, डाक लाया हूँ। तभी एक चुड़ैल हंसती हुई अंधेरा चीर कर रघु के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रघु अंदर से तो बहुत डर जाता है, लेकिन बाहर से होशियारी से पेश आता है। लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ, माफ कीजिए। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तू एकदम सही घर आया है। कई सालों से मैं इस मकान में बंद पड़ी थी, तूने ये दरवाजा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। बहुत अच्छा काम हो गया मेरे हाथों से, भगवान मुझे दुआ देगा। मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूँ? हाँ? तुम्हारा इरादा क्या है? दरवाजा तो तूने खोल दिया, अब मुझे बाहर घुमाओ, बाहर की दुनिया दिखाओ, मेरे खाने का प्रबंध करो। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत आसान है, मैं तुम्हारे शरीर में घुस जाती हूँ। चुड़ैल रघु के शरीर में घुस जाती है और रघु जोर जोर से हंसने लगता है। रघु घर आता है। पापा आ गए। पापा, क्या हो गया आपको? कहाँ मर गए थे, इतनी रात हो गई, घर क्यों नहीं लौटे? रघु घर का दरवाजा बंद कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। शराब पी ली क्या, हंस क्यों रहे हो? मैं रघु नहीं, चुड़ैल हूँ। ये सुनकर रघु की पत्नी और उसका बेटा कांपने लगते हैं। रघु अपने बेटे को और पत्नी को मार देता है और उनका खून चूस लेता है। सुबह होती है, रघु साइकिल लेकर डाक पहुंचाने निकल पड़ता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। एक औरत दरवाजा खोलती है। क्या लाए हो, मनी ऑर्डर या खत? तुम्हारी मौत लाया हूँ। क्या बक रहे हो? रघु औरत को दबोच लेता है और घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। रघु औरत का खून चूसकर औरत को मौत की नींद सुला देता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। इस प्रकार रघु घर घर डाक देने के बहाने जाता था और घर के सभी सदस्यों का खून चूसकर उन्हें मार देता था। इस प्रकार रघु डाकिया का आतंक पूरे शहर में फैल चुका था। डाकिया का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। घर के बाहर कोई डाकिया आए तो भी कोई दरवाजा नहीं खोलता था। इधर डाक ऑफिस से भी रघु का आतंक फैल चुका था। वो डाक लेने ऑफिस आता तो कोई भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम था कि रघु डाकिया नहीं रहा, चुड़ैल का वाहक बन चुका है। एक दिन रघु डाक ऑफिस से डाक लेकर निकल जाता है। तभी डाक ऑफिस में एक खत लिए डिटेक्टिव करण आता है। ये खत मेरे घर पर किसने छोड़ा था? डाक मास्टर खत देखता है। यह खत रघु ने छोड़ा है। आपको शर्म नहीं आती? एक खूनी डाकिया पाल रखा है तुम लोगों ने। उस दरिंदे ने डाक देने के बहाने मेरी पत्नी को मार डाला। यह डाक मैंने उसे दिल्ली से भेजा था। उसका कोई जवाब नहीं आया तो घर आकर देखा, पत्नी मर चुकी थी। डाकिया ने मारा है उसे। आप कौन है?
मैं डिटेक्टिव करण दिल्ली में रहता हूँ। आप दिल्ली में रहते हो इसलिए आपको शहर के हालात मालूम नहीं है। डाक मास्टर करण को सब हकीकत बताता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस डाकिये को। रघु को मत मारिए साहब, वह तो अच्छा आदमी है, बस चुड़ैल के जंगल में फंसा है। कहाँ मिलेगा वो? डाकिया आया है, डाक लाया है। घर का दरवाजा खुलता है और डिटेक्टिव करण बाहर आ जाता है। अंदर आ जाओ, मुझे धूप से एलर्जी है। रघु अंदर आता है तो करण दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करने का हक तो मेरा है। मैं जानता हूँ तू एक चुड़ैल है, डाकिये का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को तूने मारा है। कौन हो तुम? डिटेक्टिव करण, ये घर मेरा नहीं है। तू सही पते पर पहुंची है पर गलत आदमी से मिली है। मुझे पता था तू यहाँ आने वाली है, और देख तुमसे पहले मैं यहाँ पहुंच गया। मेरी पत्नी को मार कर शुरुआत तूने की, लेकिन इसे खत्म मैं करूँगा। रघु डिटेक्टिव पर वार करता है, तभी डिटेक्टिव उसे चकमा देता है और रघु के मुंह में हाथ डालकर चुड़ैल को बाहर खींच लेता है। तूने रघु को तो बचा लिया डिटेक्टिव, पर खुद को कैसे बचाएगा? हाँ, उसकी चिंता तू ना कर, उसका पूरा इंतजाम है मेरे पास। तांत्रिक वांत्रिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्या इंतजाम है? डिटेक्टिव अपना मोबाइल निकालता है और उसमें चुड़ैल को खींच लेता है। चुड़ैल मोबाइल में कैद हो जाती है और चिल्लाने लगती है। हाय रे, हाय, कहाँ फंस गई मैं? निकालो मुझे बाहर, ये तो उस मकान से भी छोटा है। हाँ। मैं डिटेक्टिव हूँ चुड़ैल, मैं तांत्रिक बिंत्रिक नहीं करता, स्मार्टफोन रखता हूँ। इस फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़े से बड़े भूत को कैद कर सकता है। साहब, आपने चुड़ैल को कैद तो कर लिया, पर उसे मारोगे कैसे? वो फिर बाहर आ गई तो? उसकी चिंता ना कर छोटे, मैं चुड़ैल की वीडियो डिलीट कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। डिटेक्टिव चुड़ैल को मोबाइल से डिलीट कर देता है। इस प्रकार डिटेक्टिव चुड़ैल को मार देता है और रघु के साथ साथ शहर को भी चुड़ैल के चंगुल से बचा लेता है। भूतिया चक्की वाला कहानी है रामपुर की। श्याम सुंदर त्रिपाठी रामपुर के ख्यातनाम डॉक्टर थे। रामपुर के लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते थे। श्याम सुंदर की पत्नी थी माया। माया और श्याम सुंदर की नई नई शादी हुई थी। माया श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें खुश करने में ही लगी रहती थी। एक शाम माया को बचपन की सहेली नीता का फोन आया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? डॉक्टर साहब कैसे हैं? वो भी ठीक हैं, अस्पताल में हैं अभी। एक बात बता, तुम्हारी जैसी लड़की को श्याम सुंदर जी ने पसंद कैसे किया? क्योंकि यहाँ आजमगढ़ में तुम्हारे तेवर तो कुछ अजीब थे। मैं अब वैसी नहीं रही, बदल चुकी हूँ। पति परमेश्वर और ससुराल से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। चल भाई, अब रखती हूँ। सुंदर जी को बेसन के लड्डू बड़े पसंद है। चक्की जाकर अपने हाथ से आटा पिसवा कर लाती हूँ। रात के 9:30 बजे चने की दाल लेकर माया अपने नौकर जगन के साथ कार में बैठकर चक्की की तरफ निकल गई। इधर चक्की वाला दामू चक्की में आटा पीस रहा था कि अचानक लाइट चली गई। हे भगवान, इसे क्या हो गया? अचानक अंधेरे में दामू एक परछाई देखकर जोर से चिल्लाया। अचानक लाइट आ गई और चक्की शुरू हो गई, लेकिन दामू का ध्यान चक्की पर नहीं था। उसका रवैया बदल चुका था, एक आत्मा ने उसे वश कर लिया था। माया की कार चक्की के सामने आते ही रुक गई। नौकर नीचे उतरा और चने की दाल लेकर अंदर आया। दामू दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। और दामू, चने की दाल रख कर जा रहा हूँ, खुद मैम साहब आई है आज, मैं बीड़ी सुलगाने जा रहा हूँ, जल्दी से पिसवा देना, समझा? नौकर जगन निकल पड़ा। जैसे ही जगन निकला, दामू ने जगन की तरफ देखा तो दामू भयानक भूत बन चुका था। दामू नहीं बोला, आजमगढ़ का चक्की वाला बोला। दामू जोर जोर से हंसने लगा।
थोड़ी देर बाद माया अंदर चक्की में आई तो चक्की में कोई नहीं था। ये नौकर भी बड़ा कामचोर है, चक्की वाले का पता नहीं और ये गया होगा बीड़ी सुलगाने। तभी अचानक चक्की अपने आप शुरू हो गई और भयानक आवाज करने लगी। चक्की की आवाज सुनकर माया डर गई। अरे अपने आप कैसे शुरू हो गई? अचानक लाइट चली गई, लेकिन चक्की का लाइट पर कोई असर ही नहीं हुआ। चक्की जोर जोर से घूमती रही। माया बुरी तरह डर गई। कोई है? जगन, जगन! कौन? चोर? चक्की वाला कहाँ है? अरे जगन! अंधेरे में माया चिल्लाती रही, लेकिन चक्की की आवाज में उसकी आवाज भी दब गई और नौकर जगन चक्की के बाहर आराम से बीड़ी खींचता रहा। अंधेरे में माया ने देखा कोई दीवार के पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। माया समझी दामू खड़ा है। वो गुस्सा हो गई। दामू, ये सब क्या है? फिर से लाइट आई। जैसे ही लाइट आई, चक्की अपने आप बंद हो गई। चक्की में सन्नाटा छा गया। माया ने दामू की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां दामू नहीं भोला खड़ा था। आजमगढ़ वाला, चक्की वाला भोला। तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, मर चुका हूँ। तुम्हें मारने आया हूँ। क्या? अब मुझे क्यों मारना चाहता है? भूल गई वो दिन जिस दिन तू मेरे चक्की पर आई थी? भोला की बात सुनकर माया अपने आप में ही खो गई और उसे वो दिन याद आया जिस दिन उसकी गलती की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई थी। माया आजमगढ़ के बड़े परिवार की लाड प्यार में पली बड़ी बिगड़ी हुई बेटी थी। हर वक्त बस मोबाइल पर गुटरगूं गुटरगूं। जा भोला राम की चक्की से आटा पिसवा कर ला, चल जा। रघु भैया, समझाओ ना माँ को। माँ, घर में नौकर चाकर है ना, माया क्यों जाए? रघु, मैं तुम बाप बेटों की काली करतूतों में दखल नहीं देती। तुम भी हम माँ बेटी में दखल ना दो। माया जाती हो कि मोबाइल बंद करवा दूं? हाँ, माया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी माँ के डर से वो आटे का डब्बा लेकर भोला राम की चक्की पर निकल पड़ी। भोला राम एक शरीफ और ईमानदार नौजवान था। जैसे ही उसने थकी हारी माया को देखा, वो आटे का डिब्बा लेने उसकी तरफ भागा और गलती से उसका हाथ माया की कमर को छू गया। माया ने भोला राम को जोरदार चाटा मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे कमर को हाथ लगाएगा? तभी माया का भाई रघु वहाँ आया। क्या हुआ माया? मेरे कमर को छुआ इसने। बहन को गलत फहमी हुई है भैया। रघु को गुस्सा आया और उसने भोला को चक्की पर पटक पटक कर मार डाला। कुछ याद आया? गलती हो गई भोला, उस दिन माँ का गुस्सा तुम पे निकल गया, मुझे माफ कर दो। तेरी गलती की वजह से मेरी जान गई, अब तेरी जाएगी। भोला का भूत माया की तरफ बढ़ने लगा। माया चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। अचानक चक्की शुरू हो गई और माया की आवाज दब गई। भोला माया के पास आया, उसने माया का सिर पकड़ लिया और चक्की पर पटक पटक कर माया को मार दिया। इस प्रकार गलतफहमी और दुर्व्यवहार की भारी कीमत माया को चुकानी पड़ी।